नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, अभी त्योहारी मौसम चल रहा है और इसमें तमाम लोग मस्ती और आनंद में डूबे हुए हैं। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुल्टी क्षेत्र में गेरुआ खेमे में हलचल मचा दी है। तो आज हमारे CFM टीम ने इस वायरल वीडियो का पड़ताल किया और उन तमाम लोगों से मुलाकात की जिसमें जो इस वीडियो में दोषी पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और आप ही अंदाजा लगाइए, आप ही सर्च भी कीजिए कि इस वीडियो में कितनी तक सच्चाई है। बोलिए। हाँ, मेरा नाम है शांतनु बाड़ोई। मैं सिदली का रहने वाला हूँ। मेरा भाई का काम के लिए, इसल का जो जॉब जॉब के लिए सुब्रत मिश्र को 2 लाख रुपये हम खुद आप दे के आए थे। अभी वो पैसा भी नहीं दे रहा है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ पर दे कर आए थे? उसका घर में। कितने साल पहले दिए थे, कब दिए थे? 3 साल हो रहा। तो वैसे सब कुछ बोले नहीं आप उनसे? फेस टू फेस मिले थे जा करके? हाँ, मिले थे। तो क्या बोले? कोई बार गया चुका हूँ। तो क्या बोले? नहीं मिलने वाला। मतलब उनसे मिले थे आप सामने सामने जाकर बोलते? हाँ, सुब्रत में से मिले थे हम। हाँ, वैसे तो वो ऐसे आदमी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपसे पैसे लिए हैं आपके भाई के नौकरी के लिए, तो गलत भी है। लेकिन एक बार उनसे मिल करके देखते हैं, हम भी बात करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों किए हैं, कोई मजबूरी है ना क्या है। उनसे हम मिल करके आपके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या बोले फिर से नाम? शांतनु। अच्छा, ठीक 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 है। थैंक यू। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है कि BJP के कुलटी के कद्दावर नेता सुब्रतू जी ने नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया और उनको नौकरी नहीं दिया गया। आज हमारे दरमियान सुब्रतू जी हैं। आइए जानते हैं कि वीडियो का फैक्ट क्या है और उनसे खुद मालूम करते हैं कि इसमें कितना सच्चाई है। दादा, आप सब को धन्यवाद। सोशल मीडिया का दिन है, अभी सोशल मीडिया चारों तरफ चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं 42 ईयर सर्विस किया कोल इंडिया में, ईस्टर्न कोलफील्ड में, और मैं ऑल अलोंग नेता बन के था ट्रेड यूनियन का। कभी भी कोई मुझे पर उंगली नहीं उठा पाया पार्टी में आने के बाद में। ये 3 साल पहले जब ये बोल रहा है, आप लोगों ने देखा है वीडियो, मैं भी देखा। वीडियो आप देखे हैं? वीडियो मैं भी देखा। इन लोगों ने बोला है 3 साल पहले पैसा दिया था। अच्छा, तब हम ट्रेड यूनियन में थे, पार्टी में भी नहीं थे। अभी BJP के नाम दे रहा है, BJP का नाम। लेकिन मेरा कहना, देखिए, इसमें पूरा पूरी कॉन्स्पिरेसी है। इसमें किसी का अदृश्य हाथ काम कर रहा है BJP को बदनाम करने के लिए, मेरा जिला टीम को बदनाम करने के लिए। वो जो है वो तो आपका इलाका का भी नहीं है? मेरा यहाँ का नहीं है, मैं चिंता भी नहीं, पहचानता भी नहीं हूँ। वो कहाँ सिदली को ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये मुझे पता नहीं है। उनसे आपका कभी भेंट हुआ है? कभी भी भेंट नहीं हुआ। उनको आप जानते भी नहीं? नहीं जानते। हमारा घर में बोला, आके बोला है, मेरा घर में CCTV लगा हुआ है, आप लोग सब भी देख सकते हो, या अगर आया है तो उसे जांच कर लीजिए, मुझे मैं तैयार हूँ जांच करने के लिए। और जिन्होंने किया है, मुझे बड़ा अफसोस के साथ, क्योंकि कोई करवाया है उसकी आवाज पहचान में आया है। मैंने ऑलरेडी कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, लिखित रूप से कंप्लेन दिए हैं। और आपने कंप्लेन कितने नाम पे किया? और तनुजा सिन्हा। अच्छा, और सब बरवी बोल के कोई है, मैं उसका पूरा एड्रेस जानता नहीं है, उन्होंने लिख के दे दिया है। तनुजा सिन्हा का नाम कैसे आया? तनुजा सिन्हा आवाज है और उसका नंबर नंबर से वायरल हुआ है। अच्छा, मोबाइल नंबर से वायरल हुआ है। वो तो BJP करती है ना? BJP करती थी। अच्छा, आप लोग उससे बस अच्छा खबर हो, क्या यहाँ का क्या है, नहीं अभी BJP का कोई दायित्व नहीं है। मंडल कमेटी से मुझे खबर मिला, अभी इलेक्शन चल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया है मंडल प्रेसिडेंट ने, लेकिन अभी BJP का दायित्व नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी को बदनाम किया जा रहा है 100%, या आप लोग आपस में ही फूट पड़ी ऐसा हो रहा? नहीं, फूट पड़ने का बात यह थी कि पार्टी अभी बड़ा हो रहा है, सब आदमी डूब रहा है, दूर दूर से आ रहा है, कहीं कहीं जा करके। ये पार्टी को सब लोग कांग्रेस ही पार्टी समझता है, ये कांग्रेस तो है ही नहीं, BJP है। BJP अपना सोच समझ के काम करता है, लेकिन इसी हिसाब से सोचा था इसको बोल करके हम लोग हटा देंगे, अपना राज करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। BJP भी इसके पीछे लगा हुआ। आपने तो रिटेन कंप्लेन किया जी, इसके बाद क्या स्टेप होगा आपका? कोर्ट में जाएंगे हम कोर्ट में मांगा है, केस करेंगे। अच्छा, एकदम करेंगे। मैं सोमवार कोर्ट खोलेगा, मैं कोर्ट में उससे ऑर्डर लेंगे, हमारे डिसी जज से कि इसको समन दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए। मेरा इज्जत में लगा है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग लग रहा था कि आप शायद यहाँ से MLA कैंडिडेट होंगे, एक ग्रुप चाहता कि आपको बदनाम किया जाए? हो सकता है कि मैं, लेकिन MLA का दादा मैं नहीं बोल सकता, BJP है,
कौन एमएलए हुआ क्या नहीं हुआ मुझे खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है पार्टी को सबको इच्छा होता है होने के लिए कर दिया होगा कोई। जो लोग ये घटना किए हैं उनके लिए क्या कहना है, उन पे इसके पीछे हैं आप आने दीजिए सामने आने दीजिए, फिर हम पर्दाफाश करेंगे, एकदम एकदम श्योर रहिए। हर अगर हमारा आदमी होगा तो सस्पेंड होगा, पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा, कोई भी होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट से लोग एक आदमी को कोर्ट के नोटिस देने दीजिए तो ऑटोमेटिकली सब सामने आ जाएगा एकदम। इसके बाद फिर आपका जो स्टेप है वो फिर आप कोर्ट के तरफ जाएंगे, कोर्ट के एकदम कोर्ट 100% कोर्ट में जाएंगे। अच्छा ये जो वीडियो वायरल हो इसमें कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है या कुछ ऐसे बदनाम लग रहा क्या? देखिए मुझे तो लग रहा पूरा बदनाम करने के लिए किया गया है। अच्छा, 3 साल पहले का पैसा तुम 3 साल बाद में उठाओगे? आज बीजेपी का थोड़ा वर्चस्व हो रहा बढ़ रहा है यहाँ पर, इसको बदनाम किया जाए? महामंत्री के मेरा महामंत्री की दायित्व है, इसीलिए इन लोगों के पीछे लग करके कुछ आदमी है इसमें, हो सकता है इस इशू को लेकर पार्टी से बात की जिला से? नहीं, जिला से जिला अध्यक्ष ने मुझे बोला आप फेस कीजिए पार्टी आपके जो भी होगा हमारे साथ में आपके साथ कुछ। आपका नाम क्या है? सुब्रतो मिश्रा। कौन पोस्ट में आपका? हम अभी जिला का महामंत्री के दायित्व में हैं बीजेपी का। सर अभी हम लोगों ने देखा कि मोदी की राजनीति में हलचल आ गई और आपने जो दो नेता हैं उन पर एलिगेशन लगा दिया, इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में तो हमको कुछ कहना नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन है, लोग देख रहा है, डिसाइड कोर्ट में पूछेगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा क्या है नहीं है, इसी पर हमको कुछ बोलना नहीं। जितना दूर हम मिश्रा जी को जानते हैं वो ऐसा आदमी है नहीं, बहुत अच्छा सोच रखने वाला आदमी है। मिश्रा जी के बारे में जो कुछ चल रहा है मेरा अपना विश्वास है पूरा झूठ, पूरा झूठ ही षड्यंत्र। हाँ वो तो कल सी टी ऑफिस में एफ आई आर भी किया है, वो तो बोल रहा है कि कोर्ट में केस उठेगा तो जो सच का सच पानी का पानी हो जाएगा। ये केस कब का है क्या केस? देखिए केस हमको कुछ मालूम है, जो वीडियो तो चल रहा बोल रहा है क्या? हाँ वीडियो में बोल रहा है कि 2015 में कोई पैसा का लेन देन हुआ तो एलिगेशन आप अभी लगा सकते हैं, हम आपसे लगा देंगे, प्रूफ होना चाहिए। वैसे तो प्रूफ नहीं है, किसी को खड़ा करके बुलवा देना और उसको प्रूफ करना कोर्ट में, मेरा ख्याल से दोनों एकदम अलग विषय। आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों के लिए इल्जाम लगाया जा रहा है या फिर बीजेपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए 100% विरोधी देख रहा है, बीजेपी पहले दो था इन 2021 में बीजेपी सरकार बनाने वाला था, इन लोग टारगेट कर रहे हैं सब टारगेट, जो अच्छा अच्छा छवि वाला इंसान है बीजेपी में उसको विरोधी का षड्यंत्र है, इसी तरह इसको बदनाम करो तोड़ो पाए। इसके बाद मुझे कि आपने और वर्कर थे अमित सिंह, देखिए रिटेन कंप्लेन जब हो गया उसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, आईन जो है आईन आईन का मुताबिक काम करेगा, वो भी कोर्ट उठेगा केस, अब कोर्ट फैसला करेगा, हम फैसला करने वाला कोर्ट फैसला करेगा। आपका मंडल प्रेसिडेंट हो, आपको क्या कहना? देखिए मेरा कहना कुछ नहीं, मेरा कहना प्रशासन है, प्रशासन देख रहा है, सर्वोपरि कोर्ट है, कोर्ट में केस उठ रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वीडियो बना इसमें कुछ अपने ही बीजेपी वाले नहीं, ये सब तो मेरा तदंत का विषय, पार्टी अपना तौर पे भी कर रहा है, मेरा जिला प्रेसिडेंट भी बोल दिया है कि पार्टी अपना स्तर पर कर रहा है, कबूतर को इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसमें भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो मेरा क्या बीजेपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है, अब कल का डेट में कौन एमएलए बनेगा ये तो कहना मुश्किल है, इसको ठीक रहेगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन हम जितना कुछ जानते हैं मिश्रा जी को, मिश्रा जी एक साफ सुथरा वाला इंसान है, अच्छा सोच रखने वाला इंसान है, पार्टी के लिए सोचता है, तो विरोधी से इससे डर के हो सकता है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में आप जो मंडल प्रेसिडेंट हो बीजेपी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? जो बीजेपी कर रहा है उसके लिए मैसेज वो बीजेपी करे, क्योंकि आगे आने वाला दिन में एकमात्र बंगला को जो सोनार बंगला कहते हैं, वो सोनार बंगला का रूप
द्वितीय बार देश सकता है एकमात्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बीजेपी की। इसलिए सब नौजवान सबसे मेरा आग्रह है कि बीजेपी करे, जातीयतावादी देशातोबोधक पार्टी है, इस पार्टी को करे और बांग्ला का जो सम्मान है सम्मान पुनरा स्थापित करे। उल्टी में इन दोनों एक वीडियो वायरल हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ और सियासी गलियारों में इसके लेकर बहुत सारा चर्चे हो रहे हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता सुब्रतो मिश्रा पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पैसा लेकर के किसी को नौकरी देने का वादा किए थे लेकिन नौकरी दे नहीं पाए। तो आज उन्होंने इसी दरमियान वो उस केस उस मैटर को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन सीपी ऑफिस में दिए हैं और उस इन्फॉर्मेशन में उन्होंने तनुजा जी का भी नाम को शामिल किया। आज हमारे दरमियान बीजेपी की नेत्री तनुजा जी हैं, आइए जानते हैं कि इस वीडियो का सच्चाई क्या है। तनुजा जी, जो वीडियो अभी वायरल हुआ उसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरे पास भी ये खबर आया है, ये एक वीडियो वायरल हुआ, परसों से मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है, ये एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये वीडियो कब बना, कैसे बना, वायरल होने के बाद पता चल रहा है। और इस सच्चाई से इनकार भी हम नहीं कर सकते कि वो वॉइस मेरा नहीं है, मेरा ही आवाज़। अच्छा, वीडियो में जो वॉइस वो आपका? हाँ, वो आपका है। ये वीडियो बना कैसे? ये तो हमें भी मालूम नहीं है कि वीडियो कैसे बना। हम लोग एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, ये सभी लोग जानते हैं कि हम मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आरएमपीए का कोर्स भी किए हुए हैं, उसके बाद एएनएम किए हुए हैं, तो हमारा मेडिकल का ट्रेनिंग जगह जगह चलता है। तो उसी मेडिकल ट्रेनिंग के दरमियान वो जो शांतनु बरवी हैं उनसे मेरा भेंट हुआ। ये मेडिकल ट्रेनिंग कहाँ हो रहा था हमारा? ये इतना मेमोरी में नहीं है लेकिन यह इधर ही उखड़ा के तरफ में। अच्छा, ठीक। एक बैंकेट हॉल में हो रहा था। तो शांतनु से आपका मुलाकात वहीं पर हुआ? वहीं पर हुआ। कब का घटना है? 11 सितंबर का है। अच्छा, तो हमारे बगल में वो बैठे थे, नो डाउट जब मीटिंग ट्रेनिंग शुरू होने में कुछ टाइम था तो वो बोले मैडम आप कहाँ से हैं? तो बताया कि हम तो कुल्टी से हैं। पूछे चैम्बर कहाँ है? बोले हम घर में ही प्रैक्टिस करते हैं, चैम्बर मेरा घर में ही है। तो वो बोले कि कुल्टी में आप इनको जानते हैं, सुब्रत मिश्रा को? हम बोले हाँ अच्छी तरह से जानते हैं। वो बोले कि बीजेपी का नेता है? हम बोले हाँ उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो बोले कि हमको आपसे कुछ उनके बारे में बात करनी है। हम बोले ठीक है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपसे बात करेंगे। ट्रेनिंग खत्म हुआ, बाहर निकले, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे, तो वो हमसे फिर बोलने लगे कि हाँ आपसे जो बोले थे हम बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चा बताइए क्या बात है। तो सुब्रत मिश्रा के बारे में, अपना पार्टी के नेता है, अगर उनके बारे में कुछ भी जरा सा भनक लगने से तो आदमी सुनेगा कि आखिर मेरे पार्टी के नेता के बारे में ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमारा सवाल जवाब करना वाजिब लगा कि हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो वह बताए कि ऐसा ऐसा बात है, 2 साल पहले मेरे से सुब्रत मिश्रा 2 लाख रुपये लिए थे मेरे भाई को नौकरी के लिए, और नौकरी भी नहीं दी और मेरे पैसे भी ले लिए। देखिए वो वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं कि सुब्रत मिश्रा देखिए हमको पहचान जाएंगे, आप मेरा फोटो उनको दिखाइएगा तो वो पहचान जाएंगे। अब वीडियो कैसे बना, मेरे पीठ पीछे हम और आप बात कर रहे हैं, पीछे में कौन वीडियो बना रहे हैं हम तो नहीं जान सकेंगे ना। मैंने आपको कहने का मकसद ये कि जब आप लोग बात कर रहे थे तो कोई दूसरा आदमी वीडियो बना रहा था? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। जो ये फिर वीडियो वायरल हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं था? कुछ भी नहीं था कि हाँ वीडियो कैसे वायरल हुआ। ये परसों से हमारे पास फोन आना शुरू हो गया। अच्छा। हमारे पास फोन आ रहा है कि आप सुब्रत मिश्रा का एक वीडियो वायरल किए हैं तो उसमें आपको सुब्रत मिश्रा मानहाने का केस करेंगे। एक मिनट। अच्छा, शांतनु से बात होने के बाद सुब्रत मिश्रा साहब से कब बातचीत हुई थी? हाँ, हम वहाँ मेडिकल कॉन्फ्रेंस गए, डील्स कॉलेज, मेरी बेटी को लिए यहाँ पर आए, तो उसके बाद हम सुब्रतदा से बात किए। हमने सुब्रतदा आपके बारे में एक आदमी इस तरह से बात कर रहे थे तो पूछे कि नाम क्या है उनका। हम बोले वो शांतनु बरुई नाम है। तो बोले कि नहीं, इस नाम के आदमी को हम नहीं जानते हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है। फिर वो पूछे कि आपके पास फोटो है क्या, तुम्हारे पास फोटो है? हम बोले हाँ हमारे पास फोटो है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में गए थे तो फोटो तो आएगा ही। तो बोले ठीक है मेरे पास फोटो भेजो। तो हम उनके पास तुरंत फोटो भी भेजे, फोटो भेजे, फिर वो कोई जवाब नहीं दिए, कुछ सवाल भी नहीं पूछे कि यह हमारा आदमी है नहीं, हम इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फिर हम भी छोड़ दिए, जब वो कुछ हमारे पास फोन हमको नहीं किए तो हम भी उनको फिर फोन करके जानना जरूरी नहीं समझे। हम तो उस बात को भूल ही गए थे, शांतनु बरवी को भी भूल गए थे, सुब्रत दा को भी भूल गए थे कि वो पैसे लिए दिए, वो सब हमारा देखना हमारा काम नहीं है। अच्छा, अब तो आपके उस दिन जो आप सुब्रत मिश्रा से बात करने के बाद आप जब फोटो भेजे हैं तो फिर वो रिटर्न वो आदमी आपको फोन किया शांतनु? हाँ, वो आदमी फिर हमको फोन किए, बोले मैडम सो आप उनसे बात कर लिए क्या? हम बोले हाँ क्यों? तो बोल रहे हैं कि वो सुब्रत मिश्रा हमको फोन करके और उल्टा सीधा बात बोल रहे थे, धमकी दे रहे थे कि तुमको मेरा महिला मोर्चा से बात बोल करके जो तुम अपना बात बताया तो वो क्या तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा, ऐसा सोचता है तो ये गलत। यानी सुब्रत मिश्रा पहचानते हैं उनको?
पहचानते हैं तभी तो वो आदमी हमको फिर दोबारा फोन जबकि आपको बोले कि नहीं पहचानते और हमें बोले कि हम इस नाम के आदमी को नहीं जानते। अच्छा अच्छा, अभी तो अब आपके नाम पे बाय रिटर्न कंप्लेन हो गया, उसके बाद फिर क्या कहना आपका? देखिए अब वो तो पार्टी का ये पैड में दिए हैं, अब पार्टी इसके लिए क्या कर सकते हैं मेरे लिए। हम तो यही चाहेंगे कि अगर बात इतना दूर तक बढ़ गया है तो सुब्रत तो अगर पैसे लिए हैं तो उस आदमी को वापस कर दे, और अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं है। अच्छा संतोनो, वो आपको कुछ लिख के दिया था भाई रिटर्न, वो भी कुछ दिया क्या? हाँ वो भी मेरे पास एक लेटर लिख के दिया है बंगला में। अच्छा क्या लिखा था लेटर में? देखिए बंगला तो वो अपना जो कहानी है वही बताए हैं, वही लिखे वो लिखा हुआ है। हाँ वो लिखा हुआ है। वो लेटर आपके पास है? हाँ वो लेटर मेरे पास है। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तनुजा सिन्हा है। अच्छा कौन पोस्ट में हुआ? महिला मोर्चा अध्यक्ष, बीजेपी कुल्टी मंडल 3, बीजेपी बीजेपी के। हाँ